लल्लेरे और ऐसे हम ना पूरे 3 से 4 बैग्स लाए, अभी एक बैग भी खत्म नहीं हुआ। एक शागमानी बिरयानी और एक समंदर का ठंडा पानी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। होप आप सब खैरियत से, मैं भी अवन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो मैं बहुत ज्यादा डिसकंटिन्यू हो जा रहा हूं ब्लॉग्स अपलोड करने में, मगर आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन में कुछ देना नहीं चाह रहा हूं। बाय द टाइम आप लोगों को सब मालूम हो जाएगा जिंदगी में क्या है। बहुत ज्यादा अभी फिलहाल कीमती टाइम चल रहा है, कीमती टाइम में से थोड़ा वक्त निकाल के मैं बोला थोड़ा ब्लॉगिंग करेंगे अपन। मैं मेरे कलीग के साथ थोड़ा एक्सप्लोर करने निकल गया था, तो हैदराबाद में अपन तो बहुत सारे पार्क्स लेक्स वगैरह सब दिखा दिए थे अपन, तो इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द रियाद। यू नो व्हाट, रियाद इज वेरी 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 मच ड्राई, यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज नहीं है, ज्यादा कोस्टल एरिया नहीं है यहाँ पे। रियाद में क्या है मतलब पानी देखना बोले तो नियामत चीज ऐसा है समझो, तो यहाँ पे छोटे मोटे एक लेक्स है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है रियाद लेक्स पार्क बोल के, जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैसा देखो आप लोग। तो अभी यहाँ तो अपन आ गए, तो ये पहाड़ों के बीच में ऐसा एक आर्टिफिशियल लेक बना है, लो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाए रियाद वालों के लिए। तो ये है रियाद लेक पार्क, बहुत ही ब्यूटीफुल है। रियाद में ऐसे चीज देखना मतलब इट्स ए नियामत। और यहाँ पे ब्यूटीफुल सनसेट भी हो रहा, और बेस्ट टाइम ये भाई सनसेट पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा वाटरफॉल है, अभी करीब में जाके भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पे फिशर्स को फीड करने के लिए आए, यहाँ पे अभी समर चल रहा, तो समर में क्या है मालूम बहुत ज्यादा गर्मी है अपने को, इट्स अराउंड 45 से 50 तक जा रहा। थोड़ा यहाँ पे आके थोड़ा ठंडा ठंडा फील कर रहा हूँ मैं। रियाद में गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। तो गाइस मैं जैसा बोला था कि हम लोग यहाँ पे फिशेस को फीड करने के लिए आए, जरा इनकी हेल्प कर रहा हूँ मैं भी। ये पूरे ब्रेड्स है, ये लेके जाके हम लोग वहाँ पे फिशेस है वहाँ पे लोग फीड करेंगे अभी। दिस इज बाय द वे दिस इज तनवीर भाई, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। भाई एक डालते ही पूरे आ जा रहे हैं सामने। ओहो लल्लेरेल ना पूरे। यहाँ पे हम लोग फीड कर रहे और यहाँ पे भी थोड़े लोग फीड कर। और रियाद से सिर्फ ये 60 किलोमीटर, आप लोग अगर आप आराम रहे तो वहाँ से 50 to 55 किलोमीटर। हारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैदराबाद है, और हैदराबाद इज मोस्टली इंडियंस हैदराबाद पूरे हारा में रहते, तो इसलिए मैं वो मेंशन कर रहा हूँ। अगर हारा से आप लोग आ रहे तो इट्स 50 to 55 किलोमीटर। मेरे को तो ऐसा जो कोस्टल एरियाज रहते हैं, जो सिटीज़ पूरे कोस्टल एरियाज पे रहते हैं वो पसंद आता, लेकिन क्या करेंगे रियाद अपनी फेवरेट सिटी है, तो रियाद को बस छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। ऐसा पानी के पास जो पार्क है वॉक कर रहे, तो मेरे को तो बहुत जबरदस्त दिखता, सुकून दिखता भाई। जैसा मैं एक दुबा का ब्लॉग डाला था, देखे होंगे आप, कोस्टल साइड है वो, तो वहाँ पर भी वॉकिंग के लिए निकला था, ब्लॉग बनाते बनाते बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था। रियाद में तो ऐसा कुछ है नहीं, अच्छा तो दिख रहा, बेहतरीन मस्त दिख रहा, सुकून दिख रहा। आप लोग भी आओ यहाँ पर अगर रह रहे रियाद में रह रहे, और आप लोग खाना चाह रहे ऐसा कुछ पार्क साइड्स तो बेस्ट फॉर द फैमिली, और वीकेंड्स पे भी आ सकते हैं आप लोग। बहुत सारे लोग यहाँ पे खाली फिशेस को फीड करने के लिए आ रहे। ये जो आप लोगों को फ्लाईओवर दिख रहा ये वाला, तो यहाँ से आए हम लोग, और ये पार्क का वॉकिंग एरिया पूरा जहाँ तक पार्क ये पूरा ख़त्म हो रहा वहाँ तक है, तो इट्स अराउंड आराम से 4 to 5 किलोमीटर्स आप वॉक कर सकते हैं अगर आप यहाँ आ गए तो, आप शाम के टाइम पे। अभी तो मैं आया, फिर एक बार मैं आऊँगा इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में, क्योंकि तभी भी मौसम पूरा ठंडा हो जाता। ये गर्मी ना भाई 4 से 5 महीने गर्मी रहती, बहुत ज़्यादा पका देती। और ऐसे हम ना पूरे 3 से 4 बैग्स लाए, अभी एक बैग भी ख़त्म नहीं हुआ, पूरे ख़त्म करके निकलेंगे यहाँ से। Yeah.
वाओ आओ कबूतर बोलते नहीं आओ आओ जितने शाहरुख बन के आना पड़ेगा फिर तो यहाँ पे मैं मेरे कलीग्स को पूछने वाला हूँ कि भाई व्हाट इज द वन थिंग दे मिस इन रियाद व्हाट इज द वन थिंग यू मिस इन रियाद वाटर लेक लेक्स या ओके व्हाट इज द वन थिंग यू मिस इन रियाद सी वाटर निश आमिर भाई व्हाट इज द वन थिंग यू मिस इन रियाद दो चीजें उस्ताद एक शागमानी बिरयानी और एक समंदर का ठंडा पानी ए क्या बात है भाई व्हाट इज द वन थिंग यू मिस इन रियाद फैमिली भाई व्हाट इज द वन थिंग यू मिस इन रियाद सी वाटर हां सी सी देखिए भाई तो सपना वही मिस करते हैं जैसा मैं आप लोगों को बोला वॉक के स्टार्टिंग में हर कोई यहाँ पे सी वाटर रहना या समुंदर सा कोस्टल एरिया रहना बल्कि मिस करते तो ये जो चीज़ यहाँ मिल गई ना इन लोगों को एक बहुत बड़ी नियामत है वो सही बोले देखो उस्ताद तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल और नीट पार्क है फैमिली के साथ आ सकते हैं जैसा कि मैं बोला और यहाँ पे पानी में आप उतरने की गलती तो बिल्कुल भी मत करो ममनू है खाली फिश को फीड भी करना है तो यहाँ पे ठहर के कर सकते हैं आप सब लोग बोल रहे थे कि विंटर्स में आना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि बारबेक्यू वगैरह कर सकते तो अभी वेदर के वजह से हम लोग तो बारबेक्यू का प्लान कुछ भी नहीं करे पहले वेदर हॉट है बारबेक्यू करेंगे और ज़्यादा हॉट हो जाते तो इधर पहले बोल रहा था हमें कि विंटर में फिर से आना बोलते तो फिर से आएंगे जब अपन बारबेक्यू करेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब है ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो जाके पूरे पुराने व्लॉग्स देखो व्लॉग अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो खुश करते रहो क्योंकि जीना इसी का नाम है।